हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट किया'स न्यू अपकमिंग स्मॉल एसयूवी जो सेल्टॉस से छोटी रहेगी। और ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसे एंड तक देखिए। हमारे पास फुटेज भी है ऑफ द कार, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट गोइंग ऑन द टॉपिक डिस्कशन स्ट्रेट अवे। किया की ऑलरेडी सेल्टॉस अवेलेबल है मार्केट में और इसकी प्राइस शुरू होती है लगभग 12 लाख रुपए से ऑन रोड। और ये जो नई एसयूवी आने वाली है इनकी, इसकी ऑन रोड प्राइस विल स्टार्ट एट समवेयर अबाउट 8-8.5 लाख रुपीस और ये जाएगी लगभग 13 लाख रुपए तक। तो जहां पे सेल्टॉस की प्राइस शुरू होती है वहां पे इस गाड़ी की प्राइस खत्म होगी। सो देयर विल बी अ माइनर ओवरलैप वहां पे। किया की जो सेल्टॉस है दैट्स मोर देन 4 मीटर्स इन लेंथ और इस वजह से उस पर ज्यादा टैक्सेशन है। ये गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से छोटी रहेगी और ये सेम वेन्यू के प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। तभी वेन्यू का जो कोड नेम था वॉज QXI और इस गाड़ी का कोड नेम है QYI। किया और ह्यूंडई बोथ आर सिस्टर कंसर्न्स और दोनों सेम प्लेटफॉर्म्स और दोनों सेम इंजिन्स, मल्टीपल पार्ट्स की शेयरिंग होने वाली है ब्रांड्स में एंड दिस विल ऑल्सो हैपन ऑन दिस SUV एज वेल। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये गाड़ी की खासियत क्या रहेगी एंड वॉट विल इट ऑफर फॉर यू, आपके लिए क्या ऑफर किया जाएगा जिससे आपको ये गाड़ी लेने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो ये कम्पीट करेगी पहली बार इको स्पोर्ट, मारुति विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300 और ह्यूंडई वेन्यू। ये इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसमें आपको वही सब मिलेगा जो आपको वेन्यू में मिलता है। सो वायरलेस चार्जिंग, 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें आपको UV आएगा विच इज़ बेसिकली इनका कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट मोर ऑन ऑफर। कहा यह भी जा रहा है कि मोस्टली किया इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी देगा टू एड मोर टू द फ्लेवर। फिंगर्स क्रॉस, मुझे अभी तक पता नहीं एग्जैक्टली क्या आने वाला है बट ये गाड़ी ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाई जाएगी इन इट्स कॉन्सेप्ट अवतार जो इसे काफी इंटरेस्टिंग बना देगा फॉर मेनी कार बायर्स। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वेन्यू और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। दोनों का प्लेटफॉर्म सेम रहेगा, दोनों में इंजिन्स भी सिमिलर रहेंगे। अब इंजिन्स क्यों सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम नहीं रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि वेन्यू में फिलहाल आता है 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो आगे चल के 1.5 लीटर डीजल इंजन बन जाएगा। हावेवर जो उसका पावर ऑफ ट्यून रहेगा वो कम रहेगा। तो सेल्टॉस में करंटली 1.5 लीटर डीजल आता है, वही सेम इंजन आपको मिलेगा किया QYI में। वेन्यू में भी वही इंजन आएगा, न्यू क्रेटा में भी वही इंजन आएगा, वर्ना में भी वही इंजन आएगा। पर वर्ना, क्रेटा और सेल्टॉस का जो इंजन है वो 115 BHP बनाता है और ये वाला जो आएगा वो लगभग 95-100 BHP के बीच में बनाएगा फॉर द वेन्यू एंड द न्यू किया SUV। सो इंजन सेम ही रहेगा, स्टेट ऑफ पावर डिफरेंट रहेगा और जो 1.4 है और 1.6 डीजल इंजन है उनको आगे चल के डिसकंटिन्यू किया जाएगा टू ऑफर द सेम इंजन। इसका एडवांटेज ये होगा कि एक तो एक इंजन है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाएगा और साथ में मल्टीपल जगह पे यूज किया जा रहा है विद अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून। अनदर थिंग जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज द पेट्रोल इंजन। किया इसमें लाएगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 83-84 BHP पावर बनाएगा और 150 Nm का टॉर्क रहेगा। 5-speed मैनुअल के साथ ये ऑफर कर दी जाएगी। और दूसरा इंजन रहेगा द 1 लीटर DCT वाला, बेसिकली 1 लीटर 7-speed DCT या 1 लीटर 6-speed मैनुअल के साथ ये ऑफर किया जाएगा। ये टर्बो पेट्रोल रहेगा प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 120 ब्रेक हॉर्स पावर जो इसे पावरफुल बना देगा और इससे डायरेक्टली वेन्यू और इको स्पोर्ट से कंपेयर करवाएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। किया गाड़ी का लुक जो होने वाला है विल बी अ लॉट सिमिलर टू द सेल्टॉस लुक, नॉट एग्जैक्टली द सेम पर वही सेम फैमिली का लुक रहेगा। इनफैक्ट जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो भी कुछ वैसा ही दिखेगा एंड हेडलैम्प्स का लुक भी विल बी समवॉट सिमिलर। अब किया चाहता है कि वो SUV मार्केट को डोमिनेट करे या रादर UV मार्केट को डोमिनेट करे, इस वजह से वो सारे UV प्रोडक्ट्स ही पहले भारत में ला रहा है। तो पहले आई सेल्टॉस, फिर आएगी कार्निवल जो उनकी MPV है, ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी विद द टोयोटा इनोवा और उसके बाद आएगी दिस न्यू SUV। तो कार्निवल का लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द 2020 ऑटो एक्सपो और जो उनकी नेक्स्ट SUV आएगी वो मिड 2020 तक मार्केट में आ जाएगी, यानी इसे लगभग 8-9 महीने और है मार्केट में आने के लिए। अब किया और क्या ऑफर करेगा इस गाड़ी में और ये सेल्टॉस से कैसे अलग रहेगी,
क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो इसकी बूट छोटी हो जाएगी और इसकी जो रियर सीट स्पेस है उसकी जगह कम हो जाएगी फॉर नी रूम स्पेसिफिकली। तो ये वेन्यू साइज हो जाएगी अगर आप इसे डायरेक्टली डायमेंशंस में बात करें। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये थोड़ी एक्सपेंसिव रहेगी ओवर द वेन्यू, क्योंकि वेन्यू करंटली BS4 है और किया अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बता रहा है फॉर द इंडियन कार मार्केट। ग्लोबली इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, कहाँ कहाँ पे किया एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, कहाँ कहाँ पे ह्यूंडई एग्रेसिव है, बट इट सीम्स यहाँ पे ह्यूंडई विल बी मोर अग्रेसिव देन किया और किया थोड़ा प्रीमियम मार्केट रूट देखेगा फॉर द इंडियन कार मार्केट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय अ कॉम्पैक्ट SUV, यानी कि आपको मिनी SUV चाहिए बिटवीन 7 to 12 lakh रुपीज़, तो अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए विच कार आर यू कंसिडरिंग और क्या आप इस गाड़ी के लिए रुकेंगे या नहीं। That's all we have for today. बहुत टाइम बाद ये वीडियो कर रहा हूँ, I'm really liking it and I believe आपको भी ये वीडियो पसंद आया, it's very knowledgeable, I hope. कुछ मिस आउट हुआ है do ask us in the questions, हम उनके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। अगर आपका सवाल आता है कि ऑटोमेटिक आएगा इन डीजल, सो राइट नाउ दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। डीजल में आपको 6-speed मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक पे क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो, टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू।